मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पिंक वाली नोटबुक में ड्राइंग बनाएंगे। बच्चों आज हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाना सीखेंगे, तो आपका कलर का कोई यूज नहीं है, आपको सिर्फ एक शार्प पेंसिल और आपको एक क्लीन इरेजर इसमें नीड है। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए और हेडिंग डालिए पॉट एंड ग्लास। तो करें स्टार्ट। ओके बच्चों, सबसे पहले पॉट एंड ग्लास बनाने के लिए हम इसका नीचे का सरफेस रेडी करेंगे, तो इसलिए एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है हमको, तो हम एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों एक छोटी स्लीपिंग लाइन बनानी है हमको इस तरह, तो ध्यान रहे दोनों का दोनों लाइन के दोनों साइड में आपको इक्वल स्पेस ही इसके अंदर लेना है। ये देखिए हमारा एक लाइन रेडी है। अब इससे थोड़ा सा नीचे हमें स्लीपिंग लाइन बनाना है जो थोड़ी सी बड़ी होगी, तो आपको ध्यान रहे कितनी बड़ी हो, नीचे थोड़ी सी बड़ी होगी, तो दोनों साइड से आपको इक्वल डॉट लगा लेना है और फिर उसके बाद स्लीपिंग लाइन आपको बनाना है। ये देखिए आप चाहे तो इसको थोड़ी छोटी कर लीजिए। इक्वल साइज की होगी। अब बच्चों एक हमें इसकी पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, जो आपको लाइट बिल्कुल लाइट पेंसिल से बनाना है, क्योंकि ये बाद में इरेज हो जाएगा, इसलिए इसको अब ये देखिए हमारा परफेक्ट सर्कल बन। अब देखिए ये परफेक्ट सर्कल हमारा रेडी है। अब बच्चों हम बनाएंगे इसकी नेक, पॉट की नेक इस तरह से कर्व लाइन बनाएंगे और इस साइड से भी हमें कर्व लाइन बनानी है। अब बच्चों हम इसके नीचे का हिस्सा बनाएंगे, तो नीचे का हिस्सा भी हमारा इस तरह से गोलाई में जाते हुए बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा पॉट तो रेडी है। अब हम इसकी अंदर की जो लाइन्स वगैरह है ये सारे इरेज कर देंगे। अब बच्चों हम इसका माउथ बनाएंगे, तो माउथ कैसे बनाना है, हमें इस तरह की एक ओवल शेप हमें दोनों साइड से इक्वल बनानी है। अब हम बीच के स्लीपिंग लाइन को इरेज कर देंगे। बिल्कुल रेडी है। अब बच्चों हमें एक ग्लास बनाना है, पहले इसको हम लाइन को नीचे वाली लाइन को क्या है डबल करेंगे, तो हमें डबल करेंगे इस तरह से इसके पास में कर्व लाइन। अब हम बनाएंगे ग्लास, तो बच्चों ग्लास बनाने के लिए हमें एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, तो हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। अब बच्चों हमें ग्लास को इस पॉट के आगे रखना है, तो हमें क्या करना है इस पॉट को इस लाइन को हम पॉट की लाइन को इरेज कर देंगे। इस तरह से हमने इरेज किया। अब हम एक स्लाइडिंग वन स्लाइडिंग लाइन इधर से और वन स्लाइडिंग लाइन अपन इधर से ड्रॉ करेंगे और इसका अब हमारी ये दोनों स्लाइडिंग लाइन रेडी है। अब इसका इस तरह से हमने माउथ ड्रॉ कर दिया। अब हम इसकी जो अंदर की लाइन्स है इसको अच्छे से इरेज कर देंगे। अब इसके नीचे की जो लाइन है वो हम वापस ड्रॉ कर देते हैं हल्के से। ये देखिए हमारा बहुत बनके रेडी है। अब सपोज करिए सनलाइट इस साइड में से सनलाइट आपकी सनरेज इस पॉट के ऊपर गिर रही है, तो आपको शेडिंग वहीं करनी है जिधर सनलाइट नहीं आएगी। जिधर से सनलाइट इस पॉट के ऊपर आ रही है, तो आपको ये जो जगह है वो वाइट रखनी है और बाकी चीज को आपके पॉट के ऊपर आपको शेडिंग करनी है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ, तो आपको शेडिंग करनी है, तो इस तरह से आप शेडिंग इसमें करेंगे। आपको पेंसिल से शेडिंग करनी है। इसी तरह से हम ग्लास के ऊपर भी शेडिंग करेंगे। साइड में आपकी सनलाइट नहीं है तो उस साइड में वो थोड़ा शाइन करेगा पॉट, तो इस तरह से आपको शेडिंग करेंगे।
अब हम ग्लास पे शेडिंग करें तो ग्लास में भी हमें इस तरह से शेडिंग करनी है। हाफ ग्लास पे आपको शेडिंग करनी है। देखिए हमारी शेडिंग हो जाएगी, तो हमारे ग्लास और ये पॉट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें हल्के हल्के बस इस तरह से लाइंस आपको बनानी है पेंसिल से। बच्चों चौक की वजह से हम परफेक्ट शेडिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके पास वो पेंसिल रहेगी तो आप इसको इस तरह से कहीं हल्का कहीं लाइट इसको कर सकते हैं पेंसिल और इरेजर की हेल्प से इस तरह से। और अब नीचे की जो इसका सरफेस है वहाँ पर भी आपको हल्के हल्की शेडिंग इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से आपका पॉट बन के रेडी है। तो बच्चों आई होप आपको ये पॉट और ग्लास बनाना आसानी से समझ में आ ही गया होगा। तो आप अपना वर्क कंप्लीट करिए और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपना वर्क सेंड करिए। ओके बाय, थैंक यू।